ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये पुराने सीपीयू पड़े हैं। आज हम इन सीपीयू में से एक सीपीयू निकालेंगे और बनाएंगे एक सर्वर पीसी। हम स्टोरेज सर्वर बनाने जा रहे हैं। इन पीसीयू में से एक अच्छा पीसी निकाल के उसकी रैम प्रोसेसर वगैरह एक्सटेंड करके अपग्रेड करके एक बढ़िया सा पीसी बनाएंगे आज, जो स्टोरेज के लिए काम आएगा और उसको हम अपने शेयरिंग पे डाल देंगे, स्टोरेज सर्वर बनाएंगे। चलो हम चूज करते हैं इसमें से, ये पहले वाला ही निकाल लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। कूलर मास्टर का फैन लगा हुआ है, डीवीडी राइटर लगा हुआ है, अच्छी सप्लाई लगी हुई है और हार्ड डिस्क भी इसमें ऑलरेडी लगी हुई है। इसको हम बनाने जा रहे हैं, इसको अपग्रेड करेंगे, इसके फैन का ये टूटा हुआ एक पंखा। चलो करते हैं इसका इलाज, शुरू करते हैं हम इसको अपग्रेड करना और इसको स्टोरेज। तो अब हम करते हैं इसका फैन चेंज। ये है इसका प्रोसेसर, देखते हैं इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। ये थर्मल पेस्ट इसका साफ कर देते हैं, इसका हम करेंगे नया लगाएंगे इसको थर्मल पेस्ट। ये ड्यूल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है 5200, ये हमारा स्टोरेज के लिए चल जाएगा प्रोसेसर, स्पीड कम देगा बट चलेगा तो अच्छा। अब हम इसको वापस लगा देते हैं इसके प्रोसेसर को और इसको कर देते हैं पंच, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ऊपर से और इस पे लगाएंगे हम अपना थर्मल पेस्ट। ये इसका थर्मल पेस्ट लग चुका है, ये लाए हैं हम नया फैन इसके लिए और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग चुका है हमारा फैन और अब हम इसकी सारी केबल निकाल देते हैं। इसकी देखते हैं हार्ड ड्राइव स्टोरेज पहले कितनी थी, ये हमारे पास 300 GB की हार्ड डिस्क है, इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह पे हम लगाएंगे 2 TB की एक और 1 TB की एक हार्ड ड्राइव। ये हमारी दो हार्ड ड्राइव यहाँ पे फिट कर दी और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे हम अपनी इस SSD में, जो हमारे पास पड़ी थी एक पुरानी सी SSD, इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे और इस सिस्टम में से हमें 2 1 GB की रैम मिली हैं, हम इसको 3 GB कर देते हैं। हमारे पास एक 2 GB ऑलरेडी पड़ी है पुरानी वाली और एक ये लगा देते हैं इसके साथ वाली, तो इस सिस्टम को हम 3 GB के साथ कर देते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना हमने इस सिस्टम पे, जो हमारे पास पुराना सामान पड़ा है उसी के साथ हम इसको एक स्टोरेज सर्वर बना देंगे। तो इसकी हार्ड ड्राइव लग चुकी है, SSD लग चुकी है, SATA केबल, ये लगाएंगे हम दोनों हार्ड डिस्क और एक SSD को हमने पावर भी दे दिया है और SATA केबल भी लगा दिया है। अब हम इसको करने जा रहे हैं ऑन, देखते हैं ये क्या डिस्प्ले देगा। Pentium Dual Core का प्रोसेसर है, इसमें लगा हुआ है E5200 2.50 GHz का, 3 GB इसकी रैम हो चुकी है। अब इसकी देखते हैं हम स्टोरेज कौन कौन सी शो कर रही है, फिर उसको बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे हम एक स्टोरेज सर्वर। ये इसकी डिस्क मैनेजमेंट में चले जाते हैं। पहले हमने इसमें 2 TB की हार्ड ड्राइव लगाई थी
ये खराब निकली हार्ड ड्राइव और ये वर्क नहीं कर रही थी, तो इसकी जगह पे हमने 320 GB की एक हार्ड ड्राइव लगा दी है, 1 TB की एक हार्ड ड्राइव है, जो 500 GB की जो हमारी SSD है इसमें। तो हम इसको इसकी ड्राइव्स को हम फुली फॉर्मेट करके इसमें पुराना डाटा पड़ा है कुछ, अभी हम इसकी ड्राइव को फुली फॉर्मेट कर देंगे और सिंगल सिंगल ड्राइव बना देंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे शेयर। सबसे पहले हमने माई कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। ये हमारी डी ड्राइव है 1 TB की, जो इसमें हार्ड ड्राइव हमने लगा दी थी, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और इस ड्राइव को हम करेंगे अब शेयर। ये शेयरिंग पे जाना है आपने, यहाँ से एडवांस शेयरिंग में जाएंगे और यहाँ पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, फिर परमिशंस में जाकर यहाँ पे फुल कंट्रोल दे देना है इस ड्राइव को फॉर एवरी वन। इसको हम ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। अब फिर हमने जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज़र आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, यूज़र्स आ रहा है। अगर हमें स्पेसिफिक किसी यूज़र को ही शेयर देना है तो हम यूज़र पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमने ये शेयर अपने प्राइवेट नेटवर्क पे सभी को देना है तो हम इसमें जाएंगे एडिट्स में। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक यूज़र को, यहाँ पे एडवांस में जाएंगे और फाइंड नाउ पे एवरीवन पे, यहाँ पे हमें एक मिल जाएगा, ये मिल गया हमें एवरीवन को हमने टिक करना है और ओके कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है और यहाँ पे इस एवरीवन को दे देना है हमने फुल कंट्रोल और इसको अप्लाई करके ओके कर देना है और इसको हम अब क्लोज कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं शेयरिंग का निशान आ चुका है, डी ड्राइव हमने कर दी है अपनी शेयर। अब एक सेटिंग और करनी है, हमने जाना है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नेटवर्क पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क डिस्कवरीज टर्न ऑफ। तो हमने क्या करना है, हम जाएंगे इसके कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आपको मिलेगा नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर का ये आइकन, इसको टिक करना है आपने और यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने प्राइवेट ओपन कर लिया, यहाँ पे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी कर देना है। ये प्रिंटर का हमें कुछ नहीं करना, प्रिंटर को टर्न ऑफ ही रहने देते हैं। ये भी गेस्ट एंड पब्लिक नेटवर्क को भी हमने टर्न ऑन कर देना है। और ये है पासवर्ड प्रोटेक्शन शेयरिंग, इसको आप टर्न ऑन ही रखना है आपने। टर्न ऑफ करोगे तो कोई भी आपके नेटवर्क पे अगर है तो वो आपके शेयरिंग जो आपकी ड्राइव है उसमें उसका एक्सेस ले सकता है, इसलिए हम इसको ऑन ही रखते हैं और इस सभी चेंजेस को सेव कर देते हैं। ये हमारी नेटवर्क की यहाँ से हो गई है सेटिंग्स सभी। अब हम दूसरा लैपटॉप पे जाएंगे, ये ड्राइव हमारी हम शेयर कर रहे हैं, इसमें एक फोल्डर बनाया हुआ है, अभी हम उसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारी डी ड्राइव शेयर हो चुकी है और अब हम आ गए हैं अपने दूसरे लैपटॉप पे। हमने ये लैपटॉप ऑन कर दिया है जो सेम नेटवर्क पे है, दोनों का नेटवर्क सेम है, दोनों सेम ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं। अभी हम माई कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं दिस फोल्डर इज एम्प्टी आ रहा है, कोई भी नेटवर्क यहाँ पे शो नहीं किया। विंडो आर से आप रन में चले जाएंगे, यहाँ पे हमने उस सिस्टम का नाम सर्वर रखा था, तो यहाँ पे हम /W डाल के उस पर सर्वर डालना है। तो ये हमारा क्रेडेंशियल मांग रहा है उस सर्वर सिस्टम के, तो उसका पहले यूज़र नेम डालना है आपने यहाँ पे, जो भी आप सिस्टम शेयर कर रहे हो, और उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे टिक लगा सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, हम टिक नहीं लगाएंगे और ओके कर देंगे। ये हमारी सर्वर की डी ड्राइव जो है वो यहाँ पे शो कर रही है, इसको हम यूज़ में कर सकते हैं, इसमें हम डाटा कॉपी कर सकते हैं कहीं से भी सेम नेटवर्क पे। इसको हम मैप नेटवर्क पे ले जाएंगे, ये आ रहा है आपका मैप नेटवर्क ड्राइव, इसको हम ओके कर दिया। इस पर आप कोई भी ड्राइव का कोई भी, जैसे मैं अब यहाँ पे इसको डी ड्राइव का नाम डी दे दिया है, सर्वर आ गया है रिकनेक्टेड एट, इसको साइन आप टिक कर सकते हैं और हम इसको कर देते हैं फिनिश। तो ये वाली सर्वर वाली ड्राइव आपकी अब
दिस पीसी में ओपन करोगे तो यहाँ पे शो करेगी, ये 1 TB की हार्ड ड्राइव हमारी यहाँ पे शेयर हो चुकी है। जब तक वो दूसरे वाला सर्वर आपका ऑन रहेगा तो आपको यहाँ पे ये ड्राइव ओपन दिखेगी। आप इस ड्राइव में कोई भी डाटा यहाँ पे रखोगे तो ये आपका डाटा आपके सर्वर में स्टोर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम डाउनलोड में जाते हैं। हमने यहाँ पे एक ये OBS का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था और ये क्रोम सेटअप का, हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और हम जिस पीसी पे जाते हैं यहाँ पे मैं इस डाटे को पेस्ट कर देता हूँ। आप स्पीड भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, 1 MB की, 2 MB के पास पहुँच चुकी है, 3 MB की या 4-5 MB की आराम से डाटा कॉपी की स्पीड ये शो कर रहा है। ये डाटा मेरा सारा मेरे सर्वर पे कॉपी हो चुका है। अभी आपने देखा मैंने दूसरे सिस्टम पे नेटवर्क की ड्राइव पे डाटा कॉपी किया था, ये डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। देखो यहाँ से मैं डाटे को असेस भी कर सकता हूँ और यूज़ में भी ला सकता हूँ। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने एक पुराने सिस्टम को एक हार्ड ड्राइव लगा के उसको सर्वर बना दिया है और जो भी मेरे दूसरे सिस्टम्स हैं इस नेटवर्क पे मैं उनमें से इस ड्राइव को असेस कर सकता हूँ और यहाँ पे डाटा स्टोर कर सकता हूँ अपना पर्सनल डाटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।